अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ जिसमें आप इन फ्यूचर मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और ये आने वाले टाइम में लाहौर का अब मिड कंसिडर किया जा रहा है। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। अस्सलाम वालेकुम। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आकिल भट्ट हियर। जैसे कि व्यूज़ आप जानते हैं, टाइटेनियम ग्रुप आपको प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन तमाम रियल एस्टेट मार्केट से। सो आज मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन डिटेल शेयर करूंगा जिसमें एक सोसाइटी के बारे में तमाम डिटेल शेयर करूंगा और एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताऊंगा आपको कि जो लाहौर के इन फ्यूचर सेंटर में लोकेट करेगी, जिसे मिड सिटी के नाम से बुलाया जाता है और ये आने वाले टाइम में लाहौर का सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट भी कहा गया है। अगर मैं आपको इसकी सराउंडिंग की बात करूँ तो इसकी सराउंडिंग में लेक सिटी आता है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करता चलूँ तो लोकेशन इसकी बहुत ही प्राइम है और ये खैबान-ए-अमीन इंटरचेंज से हार्डली 5 मिनट्स की ड्राइव पर है। अगर मैं इसकी सराउंडिंग की बात करूं तो मिड सिटी बेसिकली सराउंडेड है लेक सिटी के बिल्कुल सेंटर में। इसके अगर हम राइट साइड पे देखते चलें तो आपके राइट साइड पे लेक सिटी का M5 ब्लॉक आता है जो कि इसका बहुत प्राइम लोकेशन पे ब्लॉक लोकेटेड है। और वेयर एज अगर हम इसके लेफ्ट साइड पे देखा चलें तो लेफ्ट साइड पे आपके M8 ब्लॉक आता है जो कि 5 मल्ला रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में अवेलेबल है। अगर मैं लेक सिटी की प्राइस रेंज की बात करूं तो आपके लेफ्ट साइड पे जो M8 ब्लॉक है यहां पर प्राइस ऑलमोस्ट 75 से 80 लाख रुपीस है 5 मल्ला की। वेयर एज अगर हम लोग M5 ब्लॉक में बात करें तो M5 95 से 1 करोड़ के ब्रैकेट में लाया करता है। वेयर एज जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ये मिड सिटी का सी ब्लॉक कंसिडर किया जाता है और इसको कहा गया है, यहाँ पर प्राइस 85 से 90 लाख रुपीस है। लेकिन जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बेनिफिशियल है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट बेस पे चलें तो ए ब्लॉक रेजिडेंशियल आप बाय कर सकते हैं जिसमें प्राइस की बात करें तो प्राइस आपकी 67 लाख रुपीज़ है इंस्टॉलमेंट पे, जिसकी आपने 25% डाउन पेमेंट देनी है और उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट्स कंटिन्यू हो जाएंगी जो कि 2.5 साल की हैं। और वेयर एज उसी के टाइम पीरियड के अंदर आपको सोसाइटी उसका पोजीशन भी देगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो लोग इसकी फाइल फुल पेमेंट पे अडॉप्ट करते हैं, लेट सपोज वो फुल पेमेंट करते हैं, उनको कंपनी ये बेनिफिट देती है कि कंपनी प्रोवाइड्स करती है कोटा फाइल जो कि 38 से 40 लाख रुपीस के अंदर हमें मिल जाती हैं। उनका प्लस पॉइंट ये है कि अगर हम एक ओवरऑल सिनेरियो को देखते चलें तो जो सेंटर में ब्लॉक लोकेट करता है वो ए ब्लॉक रेजिडेंशियल है। अगर हम सी ब्लॉक कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में 85 लाख रुपीस का सी ब्लॉक है जिसके अगेंस्ट 67 लाख रुपीस में ए ब्लॉक रेजिडेंशियल दिया गया है। बट जो इसका प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो प्लॉयल हम लोग फुल पेड पे लेंगे आफ्टर सर्टेन टाइम, मींस के विद इन 1 or 2 years हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं कि मार्केट में अगर उसका ब्रेक इवन रेट भी आए तो वो 67 लाख होगा। जो लोग अभी 38 लाख या 40 लाख में फाइल अवेलेबल या परचेज करते हैं उनको इन फ्यूचर 25 से 30 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट विद इन 1 or 2 years मिल सकता है। ये तो आ गई मिड सिटी की उस चीज़ की बात जो कि इन्वेस्टमेंट एंड से सबसे बेनिफिशियल थी। अब रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट भी लॉन्च किया है। अगर मैं हम कमर्शियल प्लॉट की बात करूँ तो कमर्शियल प्लॉट मिड सिटी का 5 मरला का दिया गया है जो कि 2.75 करोड़ रुपए का दिया गया है। ये भी इंस्टॉलमेंट बेस पे प्लान है, इसकी इंस्टॉलमेंट 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट है, डाउन पेमेंट उसके बाद आपको 2.5 साल का टाइम मिलेगा जिसमें हमें क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होंगी। इसके बाद अगर मैं इस सोसाइटी की बात करूँ और इसकी सोसाइटी की फिजिबिलिटी की बात करूँ तो सोसाइटी हर लिहाज से सेफ एंड साउंड है। इनकी डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट ऑफ द आर्ट है। इस तरह की सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आज से पहले किसी भी सोसाइटी ने लॉन्च नहीं किया। रिसेंटली सोसाइटी ने अभी मिड सिटी इस्लामाबाद में भी लॉन्च की गई है, जिसकी डिटेल्स के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं या लाहौर के बारे में कोई भी डिटेल देने के लिए मुझसे स्क्रीन पे दिए गए रब्ता कर सकते हैं। यही नंबर मेरा ईमो और व्हाट्सएप पे है। फॉर ओवरसीज क्लाइंट अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।